ये जितने शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, कंपोज, कंपोजिट, कंपोजिशन, कंपोनेंट, कंपाउंड, इन सब में एक चीज कॉमन है, कॉमन वर्ड जो है वो पोज है, और एकाध जगह पौन भी है। तो इन सब वर्डों को बनाने में जो कॉमन वर्ड है वो पोज और पौन है। ये पोज और पौन का क्या मतलब है? पोज और पौन हमारे पास लैटिन वर्ब होती है, लैटिन वर्ब पोनो। पोनो मीन्स आई पुट और प्लेस, इसका मतलब रखना, रखना। और इसका इन्फिनिटिव होता है पोनेरे, और इसका परफेक्ट होता है पोजुई, और प्लू परफेक्ट और परफेक्ट पैसिव होता है पोजिटुम, पोजिटुम। सो आप देखिए, तो इसकी रूट जो है, इस वर्ब की रूट और धातु जिसको आप कहते हैं वो है पौन, पौन है प्रेजेंट, प्रेजेंट धातु, और परफेक्ट धातु इसकी पोज है, पोज या पौन, पोज या पौन। तो इस पोज पौन का मतलब रखना होता है, रखना। अब इस धातु को यूज करते हुए हम एंडिंग नहीं लगा रहे, सिर्फ धातु को प्रयोग करते हैं। तो देखिए, ये पोज वाली धातु, मतलब इसका मतलब हो गया पुट, रखना। तो कंपोज जो वर्ड है, कंपोज का मतलब हो गया पुट टुगेदर, और कम का मतलब ये प्रीफिक्स है, कम इज प्रीफिक्स, इसका मतलब है कम इज टुगेदर, टुगेदर, और या फिर इसका मतलब विद भी होता है, विद, यानी एक साथ, एक साथ, या फिर साथ में, साथ, साथ में, ये इसका मतलब है। अब हमें मालूम है कि पोज का मतलब रखना और कम का मतलब साथ में, तो दोनों को जोड़ के, यानी कंपोज का मतलब कम प्लस पोज। अब इसका मतलब है रखना और इसका मतलब है साथ में, तो इसका मतलब जो हो गया वो हो गया साथ में रखना, या फिर इकट्ठा रखना, साथ में रखना, ये इसका मतलब हो गया। ऐसे ही कंपोजिट का मतलब है, कंपोजिट में ये आपका सुफिक्स है, ये प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स का मतलब टुगेदर, साथ में, तो ये भी साथ में रखना है। और पोजिट का मतलब कई बार जमा भी होता है, जमा करना, साथ में जमा करना या साथ में रखना, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जमा करना। और ये नाउन बन गया, इसका मतलब हो गया जमा, जमा। कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब है जो पार्ट्स को हमने इकट्ठा रखा, यानी पोनेंट है पार्ट, पोनेंट है जो साथ में रखे पार्ट हैं, हिस्से, यानी इसका मतलब होता है हिस्सा। कंपोनेंट,
कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब पाउंड भी उसी से बना, थोड़ा सा इसमें चेंज हो गया है, ये डायरेक्ट पोन या पोज नहीं है, पाउंड है, इसका मतलब भी इकट्ठा होना है, तो इसका मतलब भी इकट्ठा। अब ये पोज है, पोज का मतलब आप फोटो जैसे खिंचवाते हो वो पोज होता है, इसको मतलब आप कह सकते हो स्थिति, एक स्थिति में होना, तो इसका मतलब है पोज। सिथत, और इसका मतलब भी पोजीशन का मतलब भी वही है। इम्पोज का मतलब है, इसको भी हम ऐसे ही तोड़ेंगे, इम प्लस पोज, पोज का मतलब तो रखना, पोज का मतलब तो रखना, और इम का मतलब है अंदर, इनसाइड, तो इम्पोज का मतलब है इनसाइड, अंदर रखना, एक तरह से इम्पोज का मतलब अंदर रखना, या इनका मतलब एक और भी होता है, इनका मतलब इनको कई बार हम, ये दोनों एक हैं, एक जैसे होते हैं, कई बार इन होता है, कई बार इम होता है, तो दोनों का मतलब में होता है या फिर अंदर होता है, और या फिर इसका मतलब ऊपर भी होता है, ऊपर। तो यहाँ पे ये ऊपर वाला ज़्यादा ठीक लग रहा है, तो किसी चीज़ के ऊपर रखना या किसी पे लगाना, तो इसका मतलब हो गया ऊपर लगाना या फिर रखना, इम्पोज। डी का मतलब है डाउन और नीचे, नीचे, तो इसका मतलब है नीचे रखना, डिपोज, नीचा करना, नीचे रखना, तो ये है। अब नीचे इसमें हम लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब कुछ ऐसी चीज में हम रखते हैं जब नीचे कोई रखते हैं, डिपोज, तो सिंपल हम इसको रखना ही कह सकते हैं, रखना, लेकिन डी का मतलब नीचे। ऐसे ही डिपोजिट, डिपोजिट को मतलब इसको कई बार जमा करना भी कह सकते हैं, नीचे रखना, या फिर हम इसको कह सकते हैं सिंपल रखना, और इसका मतलब भी वही है कि रखना, और यहाँ पे डिपॉजिट का मतलब एक तरह से हम जमा करना लेते हैं, जमा करना। इसी तरह से डिपोजिशन का मतलब भी रखना है, किसी के सामने रखना, तो इसका मतलब भी रखना है, रखना है, और डाउन का मतलब एक्चुअली ये इसका जो मीनिंग हम लेते हैं या फिर इसको हम, क्योंकि ये नाउन बन गया तो ऐसा कह सकते हो आप, रखा, किसी के सामने अपनी बात को रखना में इसको यूज़ करते हैं। अब ये देखते हैं डिस्पोज, डिस्पोज, अब डिस का जो मतलब है वो डिफ जैसा है, और इसका मतलब है अलग, डिस का मतलब है अलग और अवे, अलग, डिफरेंट का मतलब भी वही है, अलग, डिफरेंट टाइप, तो डिस्पोज का मतलब हुआ अलग रखना, अलग करना, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं, या तो कह सकते हो आप अलग रखना, या इसका एक मतलब है, क्योंकि हम अलग अलग कर दें तो वो चीज़ ख़त्म करना भी इसका मतलब हो सकता है, ख़त्म करना भी हो सकता है। अब एक्सपोज, एक्स का मतलब है आउट,
और या फिर हिंदी में हम इसको कहते हैं बाहर की ओर, बाहर की ओर। तो इसका मतलब हुआ पुट आउट और सामने रखना या फिर खोलना। तो इसका कई सारे मतलब बन सकते हैं, खोलना, बाहर रखना, दिखाना, ऐसा भी इसका एक मतलब होता है दिखाना। और इम्पाउंड का मतलब, इनका मतलब यहाँ पे है इन, इनका मतलब यहाँ पे है इन, और इसका मतलब है अंदर, अंदर। सो अंदर रखना, अंदर रखना का मतलब हुआ जमा करना। अब ये जमा करना पहले भी आ चुका है, ये रहा जमा करना, डिपॉजिट। बैंक में जब हम पैसे जमा करते हैं तो वो डिपॉजिट क्या है कि वहाँ जाके हम ऐसे रखते हैं, किसी के सामने रख देते हैं। ये जमा करना, जैसे ये लीगल टर्म में पुलिस आपकी जैसे गाड़ी को बंद कर देती है, तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं बंद कर देना, बंद करना। जमा करना का मतलब यहाँ पे जो पुलिस आपकी गाड़ी वगैरह को इम्पाउंड करती है उसमें हम इसको करते हैं। और भी इसके कुछ वर्ड हैं, जैसे पोएज है, और भी कुछ वर्ड हैं, जैसे और भी मुझे याद आ गए, पुट है या पोज है, एक वर्ड होता है पोएज, पोएज। पोएज भी रखना है, लेकिन इसको हम यूज करते हैं जैसे झंडा फहराने के लिए, आई पोएज द फ्लैग। तो इसका मतलब हुआ फहराना, फहराना। या किसी के बालों में फूल जैसे लगा देते हैं हम, तो उसको भी हम पोएज बोलते हैं। तो अलग अलग जगह पे एक्चुअली इनको यूज करना होता है, लेकिन इन सब का मतलब रखने से है। तो इस तरह के मतलब इससे बनते हैं। तो यहाँ इसका मतलब हो गया झंडा फहराना या फूल लगाना, तो उसके पोजीशन में, उस पोजीशन में हम इसको पोज कहते हैं, ठीक है। अब पोजीशन विस्तृति होती है, तो ये कुछ मतलब है। और देखिए थोड़ा सा हम और देखते हैं कि जैसे कुछ वर्ड मैं आपको बताता हूँ। एक लैटिन में वर्ड होता है पोर्ट, पहले मैं वर्ड लिखता हूँ, जैसे एक में वर्ड लिखता हूँ इम्पोर्ट, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, दोनों में पोर्ट कॉमन है। अब जो पोर्ट वर्ड है, पोर्ट का मतलब होता है, ये पोर्ट का मतलब, या सिंपल इसको हम पोर्ट भी बोल देते हैं कई बार, लेकिन ये वर्ड लैटिन में पोर्टा होता है, और जिसका मतलब होता है दरवाजा, दरवाजा। इसमें एक और वर्ड भी मैं ऐड कर देता हूँ, पोर्टल, पोर्टल और पोर्ट, पोर्ट। अब इसी से एक वर्ड एयरपोर्ट भी बनता है, एयरपोर्ट। तो पोर्ट का मतलब दरवाजा है। अब इनका मतलब आपको मालूम है, इनका मतलब अंदर, और इन, इनके बराबर भी होता है, इन, इनके बराबर भी होता है। कई बार ये इन यूज होता है, कई बार इम होता है। तो और एक्स का मतलब है आउट, एक्स का मतलब है आउट। तो यहाँ से हम देखते हैं, ये हुआ दरवाजे के अंदर, यानी इनसाइड द पोर्ट। तो इसका मतलब है अंदर लाना, इसका मतलब है अंदर लाना, इसका मतलब है एक्स का मतलब बाहर, बाहर यानी दरवाजे के बाहर ले जाना, बाहर लाना या ले जाना, ले जाना।
अब पोर्टल हम यूज करते हैं, कंप्यूटर को जब हम खोलते हैं तो उसको भी पोर्टल बोलते हैं, वो एक्चुअली गेट ऑफ कंप्यूटर हम उसको कह सकते हैं। तो पोर्टल जो यूज होता है उसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में यूज करते हैं, और वो भी कंप्यूटर का दरवाजा होता है। तो इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ कंप्यूटर वी यूज पोर्टल, और पोर्ट का मतलब हमें मालूम है बंदरगाह। एक्चुअली ये भी दरवाजा ही है, और ये भी आपका दरवाजा ही है, दरवाजा, माय गॉड। लेकिन ये कंप्यूटर की टर्म में यूज होता है। अब ये जो एयरपोर्ट है वो भी जब आदमी बाहर से आता है, बाय एयर आता है, जहाज से आता है, तो ये भी आपका एयरपोर्ट भी आपका दरवाजा ही है। लेकिन इसकी हिंदी होगी जहाज उतरने का स्थान, हम इसको बोलते हैं एक तरह से एयरपोर्ट, जहाज उतरने का स्थान, का स्थान एयरपोर्ट। तो इस तरह से पोर्ट के मतलब दरवाजे से है, लेकिन यहाँ से हम, और ये पोर्टल मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कंप्यूटर के लिए यूज करते हैं, कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर का दरवाजा पोर्टल हम बोलते हैं।